नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल मार्केट में गोरापन के लिए बहुत सारा क्रीम छाया हुआ है, मगर ज्यादातर क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना स्किन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही पॉपुलर क्रीम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कोजीमैक्स स्किन लाइटिंग क्रीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कोजीमैक्स स्किन लाइटिंग क्रीम के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या ये क्रीम हमारी स्किन के लिए सेफ है, क्या ये क्रीम हमारी स्किन को सच में गोरा बनाती है, कितने की आती है ये क्रीम, सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन दिखेगा उसे भी टच कर देना, ताकि आगे आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं कोजीमैक्स स्किन लाइटिंग क्रीम के अंदर कौन कौन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसमें काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कोजिक एसिड यूज में लिया गया है। इसका स्किन लाइटिंग प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को नेचुरली फेयर बनाती है। दोस्तों, इसमें विटामिन सी यूज में लिया गया है, जो डेड सेल को रिपेयर करने में सहायक होती है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इस क्रीम के अंदर आर्बुटिन इस्तेमाल किया गया है। इसका स्किन लाइटिंग प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को नेचुरली गोरापन देती है। दोस्तों, इसमें और एक खास चीज यूज में लिया गया है, जिसका नाम है ग्लाबराइडिन। ये स्किन इन्फेक्शन को रोकने में काफी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, इस वीडियो की एंड वाला पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वीडियो की एंड में इस क्रीम को नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल करना उचित होगा या नहीं होगा, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले ये जानकारी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस क्रीम का फायदे के बारे में। दोस्तों, ये क्रीम हमारी बर्थ मार्क्स यानी जन्म से ही कुछ लोगों का चेहरे या शरीर की किसी भी पार्ट पर डार्क स्पॉट होता है, ये क्रीम इस मार्क्स को मिटाने में काफी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आप पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स की वजह से दाग धब्बे से परेशान है तो ये क्रीम इन सारी समस्याओं को मिटाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। दोस्तों, ये क्रीम रिंकल्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर सनबर्न की वजह से चेहरे पर समलापन आ गया है, कोहनियों, घुटनों या अंडर आर्म्स पर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो इस क्रीम का इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम तो ठीक होगी, साथ ही स्किन काफी गोरा और खूबसूरत दिखने लगेगी। दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पिंपल्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो अगर आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, इस क्रीम को दिन में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दिन में इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर रेडनेस, डार्कनेस की प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, इस क्रीम को केवल इवनिंग और नाइट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा क्रीम हाथों में लेकर फेस और अफेक्टेड एरिया पर लगाकर छोड़ देना, और सुबह क्लीन करने के बाद किसी अच्छे मॉइस्चराइज क्रीम अप्लाई कर लेना। दोस्तों, इस क्रीम को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्रीम सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। दोस्तों, कोजीमैक्स स्किन लाइटिंग क्रीम का 15 ग्राम की प्राइस है 279 रुपीज। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये क्रीम आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है क्या इस क्रीम को नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, मैं इस क्रीम को नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि इस क्रीम के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह सेफ तो है, मगर ज्यादा मात्रा में डालने के कारण लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो सकता है, रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इस क्रीम को नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 2 से 3 महीने के अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इस क्रीम को छोड़ने के बाद किसी अच्छे आयुर्वेदिक क्रीम इस्तेमाल शुरू कर देना, ताकि आपकी स्किन पर चमक हमेशा बने रहे। तो दोस्तों, ये था कोजीमैक्स स्किन लाइटिंग क्रीम के बारे में कम्प्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई राय या सवाल हो तो कमेंट करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।